कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बॉक्स ऑफिस स्कोर में। और आज हम बात कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो वही आज है इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पर 14वां दिन। तो गाइस अगर बात करें पूरी डिटेल्स की तो ये मूवी फैंटेसी एडवेंचर है और इस मूवी में रणवीर कपूर के साथ आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय और नागार्जुन अक्कीनेनी नजर आए। गाइस ये मूवी अयान मुखर्जी के डायरेक्शन बनकर तैयार हुई थी। तो वही इस मूवी का बजट 410 करोड़ रुपए था। तो वही इस मूवी ने रिलीज से पहले 295 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली थी। और वहीं अगर बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो गाइस मैं आपको बता दूं ये मूवी इस साल की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट मूवी बन चुकी है। इस मूवी ने काफी बढ़िया कमाई की बॉक्स ऑफिस पर और साथ ही में सुपरहिट का टैग भी ले लिया। तो अगर बात करें इस मूवी के कलेक्शन की तो गाइस इस मूवी ने अपने फर्स्ट वीक में इंडियन नेट कलेक्शन किया 173 करोड़ 20 लाख रुपए का। तो वही फर्स्ट वीक में वर्ल्ड वाइड कमाए 300 करोड़ रुपए और वही अपने 10 दिनों में इंडियन नेट कलेक्शन कर लिया 215 करोड़ 25 लाख रुपए का। तो वही 10 दिनों में वर्ल्ड वाइड कमा लिए 360 करोड़ रुपए और वही इस मूवी ने अपने 11वें दिन कमाए हैं 4 करोड़ 65 लाख रुपए। तो वही 12वें दिन कमा लिए 4 करोड़ 30 लाख रुपए और वही इस मूवी का 13वें दिन का कलेक्शन आया है लगभग 4 करोड़ रुपए। और अगर बात करें आज यानी कि इसके 14th डे कलेक्शन की तो गाइज आज की ऑक्यूपेंसी कुछ इस तरह से बनी हुई है। इस मूवी के कलेक्शन में एक ड्रॉप देखने को मिल रहा है और ये मूवी आज लगभग 3 करोड़ 40 लाख रुपए का कारोबार कर रही है। तो गाइज अगर ये मूवी आज 3 करोड़ 40 लाख कमा लेती है तो इस मूवी का 14 दिन का इंडियन नेट कलेक्शन हो रहा है 231 करोड़ 60 लाख रुपए। तो वही 14 दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो रहा है 390 करोड़ रुपए। यस गाइस 14 दिन और 390 करोड़ और ये कहना गलत नहीं होगा कि अब ये मूवी अपने अगले वीकेंड पे भी अच्छी कमाई कर सकती है। तो गाइज आप लोग क्या लगता है ब्रह्मास्त्र मूवी बॉक्स ऑफिस पर 450 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी या नहीं, अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि आपको मिलती रहेगी चैनल पे हर मूवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।